हे गाइस नमस्ते, कैम छो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो अभी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है, अभी आ चुकी है मार्केट में किया की सोनेट। तो जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था, तो उसी गाड़ी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वो गाड़ी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो किया कंपनी ने जब से इंडिया में अपना मार्केट शुरू किया है तब से उन्होंने अपना 1 लाख किया सेल्टोस बेच दिया है। जी हाँ, आपने बराबर सुना कि उन्होंने अपनी 1 लाख किया सेल्टोस को बेचा है इंडियन मार्केट में। तो वो किया के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो उसी अचीवमेंट और सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए किया ने एक और अपनी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है, उसका नाम है किया सोनेट। तो आज के वीडियो में हम लोग किया सोनेट के बारे में A to Z बात करने वाले हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन आपको मिल रहे हैं, क्या इंटीरियर डिज़ाइन है, क्यों ये कार दूसरी कार से बेहतर है, क्या प्लस पॉइंट्स है इस कार लेने के। तो सब के बारे में आज के वीडियो में बात होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के साइड लुक की। तो साइड से कार का लुक बहुत ही परफेक्ट है, आपको किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको इसमें डायनेमिक कट्स ज़रूर दिखने वाले हैं इस कार में। तो बहुत ही परफेक्ट लग रही है कार साइड से, तो और बहुत ही परफेक्ट मिनी SUV आप इस कार को बोल सकते हो, क्योंकि लेंथ उसका जो हमारा वेन्यू का है उतना ही है, लेकिन इसका विड्थ और हाइट बढ़ा दिया गया है, तो आपको थोड़ा वेन्यू से थोड़ा बड़ा दिखेगा ये कार। तो मैं अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो बेस गोल्ड कलर है, और यहाँ पे गोल्ड और ब्लैक का फिनिशिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। और यहाँ पे हैंडल बार आपको इसमें क्रोम के मिलने वाले हैं। आप ये मॉडल जो देख रहे हो वो GT लाइन का टॉप एंड मॉडल है। तो दूसरे वेरिएंट्स में आपको हैंडल बार ब्लैक कलर के या फिर बॉडी कलर के देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ फ्रंट से देखते हुए कार को, तो कार का डिज़ाइन बहुत ही बल्की बनाया है और बहुत ही एरोडायनेमिक कट्स आपको इस कार में देखने को मिलेंगे। तो सेंटर में किया का लोगो, तो कार का लुक आगे से बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लग रहा है। और अगर यहाँ पे हेडलैम्प्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही यूनिक स्टाइल का हेडलैम्प्स, तो आपको इस कार में LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको इसमें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आपको एक फॉग लैम्प का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्रिल की बात करें तो सिग्नेचर टाइगर नोस ग्रिल किया की तरफ से, और ग्रिल का ब्लैक एंड क्रोम का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ग्रिल के ऊपर आपको रेड फिनिशिंग भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, तो ये GT लाइन है इसके लिए इस पर रेड फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा। और क्रोम का सराउंडिंग जो पूरा दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ नीचे जो रेडिएटर ग्रिल दिया हुआ है वो भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का दिया हुआ है। तो और वो फेक मफलर टाइप का भी डिज़ाइन दिया हुआ है, वो आगे और पीछे दोनों तरफ कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे का लुक बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही यूनिक स्टाइल का दिया हुआ है, तो आगे से कार बहुत ही परफेक्ट लग रही है। तो यहाँ पे बैक लुक की अगर बात करें तो हार्ट बीट LED टेल लैम्प्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही शार्प डिज़ाइन वाले LED टेल लैम्प्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो पीछे से गाड़ी का लुक बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। तो यहाँ पे आपको सेंटर में किया का लोगो मिलेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात मैं करूँ तो आपको सोनेट का बेंचमार्क देखने को मिलेगा, और अगर हम राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो GT का आपको इसमें बेंचमार्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर लोअर बम्पर आप देख रहे हो तो पूरा ब्लैक फिनिशिंग का लोअर बम्पर दिया हुआ है, और उसी के अंदर नीचे आपको फेक मफलर भी देखने को मिलेंगे दोनों साइड। तो ये काफ़ी डिफरेंट लुक लग रहा है कार का, और साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर बम्पर में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं बूट स्पेस की अगर बात करूँ तो इस सेगमेंट की कार में सबसे बड़ा बूट स्पेस किया सोनेट में आपको देखने को मिलेगा।
तो 392 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल रहा है आपको, तो बड़ी आराम से आप बहुत ही सारा अपना सामान रख सकते हो। और यहाँ बूट में आपको एक छोटा सा लाइट भी देखने को मिलेगा, तो आपको नाइट में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पीछे से अगर मैं कार का एक लुक आपको दिखाऊँ तो आप देखिए, कार बहुत ही यूनिक डिज़ाइन, बहुत ही स्टाइलिश, पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया हुआ है। तो इस कार में आपको वैसे तो 16 इंच के टायर मिल रहे हैं, तो आपको इसमें स्पेयर व्हील 15 इंच का ही मिलेगा और नॉर्मल मिलेगा, आपको एलॉय वगैरह नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्टील टायर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ रूफ पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है रूफ रेल्स। और साथ में आपको इस कार में शार्क टेल एंटीना भी देखने को मिलेगा। तो इस कार में आपको 16 इंच के क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जो आगे आपको दो डिस्क ब्रेक और पीछे आपको दो ड्रम ब्रेक ऑफर करने वाली है। तो आप देख सकते हो कि पूरी गाड़ी के नीचे आपको बॉडी प्रोटेक्शन करने के लिए जो पूरा दिया हुआ है ब्लैक कलर का, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा करता है। और साथ में ये GT लाइन है, तो इसके अंदर आपको रेड फिनिशिंग भी थोड़ा अंदर देखने को मिलेगा। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी सबसे ज़्यादा है, तो आपको इसमें 211 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो चलिए बात करते हैं अभी इंटीरियर की। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें किया सेल्टोस जैसा ही मिलने वाला है, फ्लैट एंड स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं। और सेंटर में आपको किया का लोगो मिलेगा। तो स्टीयरिंग वगैरह का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसमें। तो अगर स्टीयरिंग पे कंट्रोलिंग्स की अगर हम बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड के कंट्रोलिंग की अगर बात करें, तो आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम कंट्रोलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, और साथ में आपको कॉल पिकअप और ड्रॉप करने का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम राइट हैंड साइड के कंट्रोलिंग्स की अगर बात करें, तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोलिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें, तो बहुत ही एडवांस कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि जो ये छोटा सा डिजिटल स्क्रीन है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन सा डोर ओपन है, लॉक है वगैरह। और साथ में आप साइड में जो स्क्रीन जैसा दिया हुआ है, उसमें आप अपना स्पीड वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पे पेट्रोल और टेम्परेचर का जो नोटिफिकेशन है, वो भी काफ़ी अच्छा यूनिक स्टाइल में दिया हुआ है। और इस तरफ आपको टैकोमीटर भी देखने को मिलेगा, और साथ में जो नीचे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप, लो फ्यूल इंडिकेशन, एयरबैग का भी ऑप्शन है, फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका भी है। तो बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप इसमें से देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे ड्राइवर साइड कंट्रोलिंग की अगर और इंटीरियर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको एक AC वेंट देखने को मिलेगा, और नीचे आपको एक पुश स्टार्ट बटन भी देखने को मिलेगा। अगर डोर पे अगर हम इंटीरियर पे, तो अगर डोर पे कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिरर मिलने वाला है, तो आप ओपन और क्लोज भी इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो और एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे आपको चारों चार पावर विंडो मिलने वाले हैं, वहीं से आप सबका कंट्रोलिंग भी कर सकते हो। तो अगर सेंटर डैशबोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको 10 इंच का बहुत ही HD टच स्क्रीन वाला प्यूरा म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। और साथ में आपको इसमें बोजे का 7 स्पीकर सराउंडिंग का बहुत ही प्रीमियम ब्रांड का आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के नीचे आपको 2 AC वेंट मिलने वाले हैं। AC वेंट है वो भी काफ़ी यूनिक स्टाइल वाले दिए हुए हैं, और AC वेंट के सराउंडिंग आपको पूरा रफ ब्लैक फिनिशिंग दिया हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोनों AC वेंट के बीच में आपको पूरा कंट्रोलिंग देखने को मिलेगा, पूरा AC का कंट्रोलिंग, फैन स्पीड अप डाउन करने का, हीट मोड, कूल मोड करने का, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। तो AC कंट्रोलिंग पैनल के नीचे ही आपको बहुत सारी स्विचेस कंट्रोलिंग दिया हुआ है, तो उससे आप अपने वेंटिलेटेड सीट ऑन ऑफ कर सकते हो, और व्यू, पीछे का व्यू अगर आपको देखना है तो वो भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। 2 चार्जिंग पॉट मिलने वाले, एक फास्ट चार्जिंग पॉट है हमारा और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉट है। और साथ में इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इंटीरियर का लुक बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया गया है, बहुत ही यूनिक स्टाइल का पूरा इंटीरियर है, पूरा ब्लैक फिनिशिंग में यहाँ पे इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा।
साथ में इस कार में आपको सनरूफ भी ऑफर हो रहा है, तो वन टच सनरूफ विथ एंटी पिंच सिस्टम के साथ है, तो सनरूफ वगैरह काफ़ी अच्छा है। बहुत बड़ा सनरूफ नहीं है लेकिन ओके है, आपको इस सेगमेंट की कार में सनरूफ मिलना बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ डोर पे आगे से लेके पीछे तक क्रोम का फिनिशिंग, क्रोम का जो पूरा लाइनिंग दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ डोर को ओपन करते हुए तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कितना हैवी मटेरियल से सब बनाया हुआ है, तो बहुत ही परफेक्ट है। मतलब कि सेफ्टी के मामले में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो सभी तरह के सेफ्टी फीचर्स इस मॉडल में आपको देखने को मिलेंगे। इस मॉडल में नहीं, लेकिन अगर आप बेसिक मॉडल भी लेते हो तो आपको बेसिक में भी सेफ्टी फीचर्स सभी इंक्लूडिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीट्स कवर्स वगैरह कंपनी फिटेड है, तो कंपनी फिटेड काफ़ी अच्छे लेदर के मटेरियल के सीट कवर्स है। और जो आगे की दो सीट्स है वो वेंटिलेटेड सीट्स है। तो इस कार में आपको 3 ड्राइव मोड अवेलेबल है, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड। तो अगर यहाँ पे को ड्राइवर साइड अगर इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटीरियर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नीचे आपको एक छोटा सा ग्लो बॉक्स भी देखने को मिलेगा। तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन किया गया है, थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल थोड़ा हार्ड मटेरियल का पूरा इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सो यहाँ सेंटर में एक आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा, तो ये ओपनेबल आर्मरेस्ट है, तो आप अपना पर्स मोबाइल वगैरह यहाँ नीचे रख सकते हो। तो यहाँ रियर में भी आपको एक चार्जिंग पॉट मिलेगा और साथ में आपको 2 AC वेंट भी मिलेंगे। और ये मॉडल में आपको एयर प्योरीफायर भी मिलेगा, जी हाँ इसमें आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर मिलेगा, तो वायरस वगैरह से भी ये प्रोटेक्शन करता है। तो ये और साथ में यहाँ पीछे से अगर आप कार का लुक देखिए तो बहुत ही फिनिशिंग वाला वर्क है यहाँ पे। जो भी इंटीरियर है, जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, जो भी सॉफ्ट मटेरियल और जो भी हार्ड मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पीछे से आपको ये सनरूफ का लुक तो बहुत ही परफेक्ट है। इंटीरियर में किया सेल्टोस और किया सोनेट का आपको थोड़ा सिमिलर जैसा ही लगने वाला है। तो यहाँ पीछे में आपको एक बॉटल होल्डर भी मिल जाएगा, साथ में आपको बोजे का बेंचमार्क भी देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिक वगैरह का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और जो हैंडल बार है उस पर आप देख सकते हो कि जो लेदर का फिनिशिंग भी किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पीछे के सीट्स की अगर हम बात करें तो बेंच टाइप सीट्स मिलेगी आपको इसमें, और साथ में आपको सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी मिलेगा जिसमें 2 कप होल्डर भी है। और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छा है, सीट्स कवर भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के इसमें यूज़ किए गए, और लेग रूम और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है इस कार में, तो आप बड़ी आराम से लॉन्ग ड्राइव वगैरह कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कार के प्राइसिंग के बारे में। जी हाँ, ये हमारा मेन टॉपिक रहता है कि इस कार में इतनी सारी फैसिलिटी सेफ्टी फीचर्स तो है लेकिन इसका प्राइसिंग क्या है। तो अभी तक इंडिया में इसका प्राइसिंग लॉन्च नहीं हुआ है, तो जल्दी से इसका प्राइसिंग भी लॉन्च होगा। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसका प्राइसिंग 8 लाख से लेके 12 लाख तक का है, मतलब कि एक्स शोरूम प्राइस है ये। तो 8 लाख का जो हमारा रहेगा वो हमारा बेसिक मॉडल रहेगा, और जो 12 लाख वाला रहेगा वो हमारा टॉप मॉडल रहेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो पहला है हमारा 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन, जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलने वाले हैं। और दूसरा है हमारा 1.0 टर्बो चार्ज इंजन, उसमें भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलने वाले। और तो तीसरा हमारा ऑप्शन है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, उसमें आपको ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलने वाले हैं। तो अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं पावर और टॉर्क क्या है। तो 1.5 लीटर का जो हमारा CRDI इंजन है उसमें आपको 100 PS का पावर मिलेगा, और साथ में आपको 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिलेगा। तो पावर और टॉर्क काफ़ी अच्छा है डीजल इंजन में। और अभी बात करते हैं हमारे टर्बो चार्ज इंजन की। जो 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो हमारा टर्बो चार्ज इंजन है, तो उसमें आपको 120 PS का मैक्सिमम पावर मिलेगा और 172 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। और अभी बात करते हैं हमारे 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन की। जो हमारा वो नॉर्मल इंजन है उसमें आपको 83 PS का पावर मिलेगा, और साथ में उसमें आपको 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो उसमें थोड़ा टॉर्क कम है क्योंकि वो हमारा नॉर्मल इंजन है, लेकिन आपको इसमें इंजन ऑप्शन काफ़ी सारे मिलने वाले अगर आपको पेट्रोल लेना है, आपको डीजल लेना है, या तो फिर आपको टर्बो लेना है।
तो किया सेल्टोस में जैसे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, उसी तरह से आपको किया सोनेट में भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हो गए। तो कैसा लगा आज का हमारा ये किया सोनेट पे वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए।